तो चलिए शुरू करते हैं। वो रोजगार देंगे, कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़ी की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपॉजिट देकर के और एजेंसी लेगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये सब चीजें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? अरे कहना क्या चाहते हो? इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मेरी बात है, अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? कुछ भी पीछे देखो, पीछे तो देखो, उधर देखो, पीछे। विजय जी, हम दिल्ली में 11वीं और 12वीं के हर बच्चे को दिल्ली सरकार की तरफ से 2,000 रुपए देते हैं, हर बच्चे को। अच्छा, उसको कहते हैं बिजनेस करो, इस 2,000 रुपए से कुछ बिजनेस करो। ठीक है, तो वो बच्चा अकेला भी कर सकता है, टीम भी बना सकता है। तो मान लीजिए 5 बच्चों ने टीम बनाई, तो 5 बच्चों के 10,000 रुपए हो गए। अब ये 5 बच्चे इस 10,000 रुपए से कोई आइडिया सोचते हैं, बिजनेस आइडिया। मजा नहीं आ रहा है। फिर उस आइडिया को इंप्लीमेंट करते हैं और इंप्लीमेंट करके उस पैसे से पैसा कमाते हैं। शाबाश बेटा, 6 महीने के अंदर इन बच्चों ने 2,50,000 रुपए कमा लिए 10,000 रुपए का। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हम पकौड़े बनाने नहीं। वाह क्या सीन है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, भाजी लौटे दिख जाना चाहिए।